हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो कल हम देख रहे थे किस तरह से हमें गुरुजनों के या भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करके अपने आप को तुच्छ समझकर कर तृण से भी अधिक तुच्छ या नीच मानकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन भक्तों का उन गुरुजनों का उन आचार्यों का और भगवान का भी स्वाभाविक रूप से हमें उनका संग मिलता है और जब उनका संग मिलता है उनके दर्शन मात्र से उनके उपदेश मात्र से या सिर्फ उनका संग करने उनके नजदीक रहने से भी हमें उनके गुण प्राप्त होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अगर किसी भक्तों का जैसे वरिष्ठ आचार्य प्रभुपात कहो या भक्ति सिद्धांत महाराज कहो या षड गोस्वामी कहो या अन्य कोई भी आचार्य कहो अगर उनके गुण हमें प्राप्त करने हैं तो उनके चरणों में प्रार्थना करनी होगी उनका संग करने की अभिलाषा करनी होगी यही इस प्रार्थना में श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे हे चैतन्य महाप्रभु आप मुझ पर दया कीजिए आप मुझ पर कृपा कीजिए आप नमो न्याय है महावदन मतलब आप दान देने वाले में श्रेष्ठ हो तो मुझ पर दया कीजिए तो आपके जैसा दयालु इस जगत संसार में कौन है तोम बीन के दयालु जगत संसार अब भगवान हो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा और कृष्ण के जुगल अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य चैतन्य महाप्रभु अन्य कोई है नहीं राधा और कृष्ण के अवतार है राधा रानी के भाव में कृष्ण स्वयं अवतरित हुए है तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके चरणों में गिर कर कह रहे हैं कि आपसे बड़ा दयालु कौन है इस जगत संसार में इसीलिए मुझ पर दया करो पतित पावन हेतु तव अवतार पतितों का ह जितने भी पतित लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए आप अवतरित हुए हो लेकिन मेरे जैसा पति तो और कोई है ही नहीं है इस दुनिया में मौसम पति तो प्रभु ना पाई वे आर प्रभु आप स्वयं ढूंढ लो आप भगवान हो आप स्वयं ढूंढ लो आपकी आंखें हर जगह है आप सुनिश्चित रूप से ये देखोगे कि मेरे जैसा पतित भक्त या मेरे जैसा पतित आत्मा पति जीवात्मा कोई इस दुनिया में नहीं होगा और रोज तो आप देखते ही हो आप हर जगह उपस्थित हो मैं कितना पतित हूं ये तो आप रोज देखते ही हो इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है मौसम पतित प्रभु ना पाई वे आर इस दुनिया में तुम्हें मेरे जैसा पतित व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति आपको इस दुनिया में दिखेगा नहीं हाहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी नित्यानंद प्रभु हर हमेशा आनंदित रहते हैं प्रेम में उन्मात रहते हैं प्रेम के आनंद में सुखी रहते हैं ये नित्यानंद प्रभु के लक्षण है ये नित्यानंद प्रभु के, के गुण है उनका नाम ही नित्य आनंद है स्वयं तो नित्य आनंद है ही लेकिन उनके चरणों में गिड़गिड़ा कर जो हम उनकी प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में तो वो स्वयं हमें आनंद प्रदान करते हैं हम दुखी भक्तों को वो आनंद प्रदान करते हैं आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी तुम्हें तुम्हें प्रेम का आनंद प्राप्त हुआ है इसीलिए तुम हर हमेशा सुखी हो नित्य आनंद रहते हो कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं इसलिए वो सुख का अधिकार मेरा है तो मुझे पहला सुखी कर कर दीजिए क्योंकि आप नित्य आनंद में रहते हो प्रेम के प्रेम में सुख सुख का अनुभव करते हो तो मेरे जैसा बड़ा दुखी कौन है तो मुझ पर कृपा कर आपके पास जो आनंद है आ, वो मुझे प्रदान कीजिए दया करो सीतापति अद्वैत गोसाए गोसाय मतलब गोस्वामी अद्वैत आचार्य उन्हें गोस्वा कहा गया है दया करो सीतापति अद्वैत गोसाय गृहस्थी है अद्वैत आचार्य फिर भी उन्हें गोसा है गोस्वामी कहा गया है तो वो भगवान जब जब अद्वैत आचार्य इस धरातल पर थे तो उन्होंने देखा कि कितने सारे जीव आत्मा इन मनुष्य के रूप में क्या क्या गलत कार्य कर रहे हैं जब उनके भविष्य को देखते हैं उनके भविष्य जन्मों को देखते हैं तो रोने लगते हैं कि ये आत्मा का अगला जन्म कैसा होगा रोने लगते हैं तो इनका उद्धार कैसे होगा ये कितने पापी है ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी द्वेषी है पापी है अनेक वे विचार कर रहे हैं मांसाहार कर रहे हैं ये अद्वैत आचार्य को देखा नहीं गया और अद्वैत आचार्य के, आचार्य के कारण ही चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए अद्वैत आचार्य गंगा के तट पर बैठकर शालिग्राम शिला पर तुलसी और गंगा जल डालकर उन्हें हूंकार कर करकर बुला देते हे प्रभु तुम आओगे कब देखो तो सही दशा देखो इन लोगों की उनको लगता है कि ऐसे मदमत्त होकर हाँ नशा पान ये व्यविचार वगैरह करके उनको लगता है कि वो सुखी है बट वो नहीं जानते हैं कि इनका भविष्य क्या हो रहा है ये भविष्य में कैसा दुख का अनुभव करेंगे किस प्रकार के मतलब पशु योनियों में जाएंगे मुझसे तो नहीं होगा इनका उद्धार करना इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप कृपा कर कर अवतरित हो जाइए यह अद्वैत आचार्य इस तरह से गंगा के तट पर नवद्वीप में बैठकर प्रार्थना करते थे बहुत दयालु है वो भी अद्वैत आचार्य इसीलिए कहा गया है दया करो सीतापति सीतापति मतलब अद्वैत आचार्य के पत्नी का नाम सीता है इसलिए उन्हें सीतापति भी कहा जाता है दया करो सीतापति अद्वैत गोसाय तब कृपा बले पाए चैतन्य निताय तुम्हारे कृपा के बिना चैतन्य निताय प्राप्त नहीं हो सकते तो अद्वैत आचार्य के चरणों में प्रार्थना करने से हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का निवास होता है इसके आगे ही कहा गया है नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सुखी करो आप नित्य आनंद में रहते हो प्रेम आनंद में रहते हो तो वो प्रेम मुझे प्राप्त होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा तो अद्वैत आचार्य को भी इसी तरह से कहते हैं कि आपके कृपा के बिना हमें नित्यानंद प्रभु कैसे प्राप्त होंगे और नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु कैसे प्राप्त होंगे इसलिए अद्वैत आचार्य के चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट श्री जीवहा प्रभु लोकनाथ आहा स्वरूप स्वरूप यस दामो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के एकदम निकट रहते थे एकदम निकट चैतन्य महाप्रभु इच्छा करते तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पता चलता था कि क्या जरूर क्या चाहिए चैतन्य महा तुरंत ही उनकी व्यवस्था हो जाती थी तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानने वाले स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनका भी अगर संग मिले तो हम चैतन्य महाप्रभु को समझ सकेंगे सनातन आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ तो षडगोस्वामी के चरणों में प्रार्थना किया जा रहा है यहां पे जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स है डायरेक्ट शिष्य है और चैतन्य महाप्रभु का उन्हें प्रचार करने का आदेश मिला है चैतन्य महाप्रभु ने इन इनषड गोस्वामियों को अन्य कोर्स अन्य गोस्वामियों को भी अन्य भक्तों को भी वो आदेश दिए थे प्रचार करने के लिए तो सबसे ज्यादा प्रचार अगर किसी ने किया है तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने किया है और जिनके हम कृतज्ञता मतलब जिनके हम आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि हम रूपानुगाज है हम उनके अः पद चिन्हों पर चलते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के तो षड गोस्वामियों के चरणों में भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीव जुग मतलब दो भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इसलिए भट्ट जुग श्री जीव मतलब जीव गोस्वामी षड गोस्वामी में से वो भी एक गोस्वामी है कौन कौन है षड गोस्वामी हमारे अः रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी ये छह गोस्वामी है जिनको चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट आदेश दिए प्रचार करने के लिए इसीलिए उनके चरणों में अगर हम प्रार्थना करेंगे उनका संग प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रचार करने की शक्ति आ जाएगी तो यह सब इन भक्तों का संग करने से उनके गुण में आ जाते हैं तात्पर्य कहने का ये भजन का यही अर्थ है कि उनका गुण हम में आ जाता है जब हम उनका संग करते हैं तो इसलिए उन उनके चरणों में प्रार्थना करने से उनका संग प्राप्त होता है उनके आदेशों का पालन करने से हमें उनका संग प्राप्त होता है उनके दर्शन मात्र से हमें उनका सॉरी गुण प्राप्त होता है उनका संग करने से गुण प्राप्त होता है उनके आदेशों का पालन करने से उनका गुण हम उनके गुण हम में आ जाते हैं ये नेचुरल स्वाभाविक है जैसे हम किसी किसी का संग करते हैं तो धीरे धीरे उनके गुण हम में आ जाते हैं है ना नशा करने वाले व्यक्ति का संग करोगे तो कुछ समय के बाद हम भी नशा करने लगेंगे विचार करने वाले व्यक्तियों का संग करेंगे तो कुछ दिनों में हमारे मन में भी ऐसा व्यविचार करने की इच्छा होगी तो इस तरह से तो हमें किन लोगों का संग करना चाहिए और किन लोगों का संग त्यागना चाहिए ये हम निश्चय करना चाहिए निश्चित मतलब हम पर निर्भर है ये अगर हम अच्छे लोगों का संग नहीं करेंगे दुर्जनों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो गुण आ जाएंगे संग करने से उनके गुण अभी कभी प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु का संग कैसे करेंगे षडगोस्वामियों का संग कैसे करेंगे नित्यान प्रभु का संग कैसे करेंगे अब वह आध्यात्मिक जगत के जगत में उनके चरणों में प्रार्थना करने से वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हमें शायद दिखते नहीं है इन आंखों से लेकिन हमारे साथ रहते हैं वो उनके चरणों में प्रार्थना करने से तो उनका संग हमें प्राप्त हो जाता है हुँ? दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास so नरोत्तम दास की प्रार्थना इतने सुंदर है हमें एक्चुअली सारे नरोत्तम दास ठाकुर के सारे प्रार्थनाओं को हमें पढ़ना चाहिए ये इतने सुंदर प्रार्थना है हम कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा लगता है कि इन प्रार्थनाओं में हीरे मोती अनेक प्रकार का धन सं मतलब एकत्रित हुआ है यहाँ पे एक्चुअली जैसे सोना चांदी हीरे वगैरह जैसे हम तिजोरी में लॉकर में रखते हैं ना हाँ लॉकर में रखते हैं. जब तक चाबी नहीं मिलती तब तक हम उसे खोल नहीं सकते किसी ने ताला लगा चाबी लगा के गया और किसी को धन चाहिए तो पॉसिबल नहीं है वो जब तक चाबी से खोलेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं पर ये सीक्रेट ये 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 धन है यहाँ पे पर इसकी चाबी क्या है समझना समझना तो हम इसको सिर्फ एक भजन के रूप में नहीं देखना चाहिए एक्चुअली ये चाबी है उनके पास जो गुण है वो जो धन है वो हमें आएगा कैसे सिर्फ प्रार्थना मात्र से ये कौन चाबी दे सकता है हम हम जैसे तुच्छ तुच्छे तो ये तो एक ये भजन है इसको गा लेते हैं हम भजन के भाव से उसे गा लेते हैं भजन भाव से गा लेकिन है क्या ये भजनों में ये भजनों में इनके गुण है ये भजन गाने से उनका संग प्राप्त होता है उनका संग प्राप्त होने से उनके गुण हम में आ जाते हैं और जब हमें उनके गुण आ जाते हैं हमें तो निश्चित रूप से भक्ति संचारित होगी क्या नहीं क्योंकि वो भक्ति में परिपूर्ण है ये सब भक्त लोग ये आचार्य लोग सरल सहज रूप से हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है सिर्फ इनके चरणों में प्रार्थना इस तरह से जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं उस तरह से करने से हमें लाभ प्राप्त होगा ये धन प्राप्त होगा गोलो केर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन ये तिजोरी के ये, ये मतलब ये धन के तिजोरी की चाबी किसके पास है बस इन वैष्णवों के पास है इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर इनका संग मांग रहे हैं। और ये संग संग मतलब सिर्फ संग से ही ये सारा धन हमें आ सकता है ये सारे गुण हमें आ सकते हैं और हम नित्य आनंद रह सकते हैं परम सुखी हो सकते हैं और इतना ही नहीं ये धन हमें प्राप्त होने के बाद ये धन को हम औरों पर लुटा सकते हैं जितना ज्यादा ये धन हम लुटाएंगे दूसरों को देंगे उतना ज्यादा हमें प्राप्त होने लगेगा इस दुनिया में ऐसा कोई धन है कि जिसको देने से हमें ज्यादा प्राप्त होता है पॉसिबल नहीं हाँ एक हजार रुपए दूसरे को दे दो तो हमारे हमारे जेब में से हजार रुपए माइनस हो जाएगा हमारे जेब में से माइनस होकर उसके जेब में प्लस हो जाएगा बट ये धन ऐसा है कि देने से कहीं गुना आ जाता है सो so, ये बहुत महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे ये भजन का सार है कि भक्तों का संग किस तरह से प्राप्त करना चाहिए और उनका संग प्राप्त होने से उनके गुण हम में कैसे आते हैं उनके चरणों में प्रार्थना करने मात्र से उनके गुण हम में आ जाते हैं इतने दयालु कोई हो सकता है सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से उनके सारे गुण हम में आ जाते हैं इतने दयालु कोई हो सकता है उनके दर्शन मात्र से उनका थोड़ा उपदेश पालन करने मात्र से और उनके चरणों में प्रार्थना करने मात्र से ये सारे गुण हम में आ जाते हैं और यही गुण से भगवान आकर्षित हो जाते हैं तो जब ये गुण में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारे प्रति आकर्षित हो जाएंगे हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे और भगवान का प्रेम प्राप्त होगा बहुत सरल है भक्ति कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कलयुग में बहुत सरल है लेकिन समझना कठिन है बुद्धिशाली व्यक्ति ही इन्हें समझ सकते हैं कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमे दशा सुमे दशा बुद्धिशाली व्यक्ति ही इस संकीर्तन को अपनाता है और भक्तों का संग करता है बाकी सब जो भक्तों का संग नहीं करते हैं वो मूर्खों में गिने जाते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ये समझने का प्रयास कीजिए कितने कितना सरल है भक्ति प्राप्त करना मगर हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं ईर्षा द्वेश भाव रखकर उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तो भक्तों का संग से हमें उनके गुण प्राप्त होते हैं और उनके गुण से भगवान आकर्षित वो गुण हम हमें जब आ जाते हैं तो भगवान आकर्षित हो जाते हैं हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थना कृपा कर कर एक बार पढ़िए सारे प्रार्थना जस्ट जस्ट गो थ्रू ट्रांसलेशन सो विल अंडरस्टैंड कि हमारा लेवल क्या है हम कहां पे है और हमें कहाँ पहुंचना है रास्ता बड़ा लंबा है पर भक्तों के संग में पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा लंबा रास्ता हमने तय मतलब हाँ चल लिए बिना किसी मेहनत के और भगवत प्राप्ति कर लिए अकेले चलेंगे तो बहुत कठिन है भक्तों के संग में चलेंगे तो बहुत सरल है पता भी नहीं चलता है कि इतना सारा हमने किस तरह से पूरा रास्ता कंप्लीट किया पहुंच गए हम ओके तो हर हमेशा भक्तों का संग, ये प्रार्थना का सार ही है अच्छे भक्तों का संग, जिनके गुण अच्छे हैं, उनका संग का अभिलाषा हर हमेशा करनी चाहिए उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए हरिनाम संकीर्तन की जाए गौर प्रेमानंदे हरी हरि